इस वीडियो में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने वाले हैं। जब भी मैंने किसी राग पर वीडियो बनाया है, उसका सुर विस्तार किया है, तो आकार के साथ साथ मैंने नोम तोम में भी आपको बताया है कई बार। तो आप लोगों की तरफ से कई बार पूछा गया है कि नोम तोम क्या होता है, एक बार इस पर भी वीडियो बनाया जाए। तो आज मैं नोम तोम पर बहुत डिटेल में आप लोग को बताने वाला हूँ इस वीडियो में, तो वीडियो के साथ आप लोग बने रहें। नोम तोम क्या होता है, कौन कौन से इसमें शब्द प्रयोग किए जाते हैं और इसको क्यों गाया जाता है, गायकी में इसका क्या महत्व है, कौन कौन से शब्द इसमें प्रयोग किए जाते हैं, उनका मीनिंग क्या है, तो इन तमाम चीज़ों पर आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले समझते हैं नोम तोम क्या होता है। तो देखिए, नोम तोम का वैसे कोई मीनिंग नहीं होता है, कोई अर्थ नहीं होता है, लेकिन गायकी में इसको प्रयोग किया जाता है, गाया जाता है, ताकि एक नया अंदाज निकल कर सामने आए। स्वरों में तो हम लोग अक्सर गाते ही हैं, आकार में भी गाते हैं। कई सारे आर्टिस्टों को आपने देखा होगा जो स्पेशली नोम तोम में ही गाते हैं, स्वरों को लगाते हैं। बहुत सारे लोग आकार में लगाते हैं, बहुत सारे लोग स्वर में ही लगाते हैं, स्वरों को स्वर में ही बोलते हैं, उनके नाम के आधार पर ही बोलते हैं, लेकिन कुछ लोग नोम तोम का प्रयोग अधिक करते हैं। तो उनमें कौन कौन से शब्द होते हैं जो सबसे ज़्यादा प्रयोग किए जाते हैं, वो शब्द भी मैं आपको बताऊँगा, और इसका चलन क्या है, इसको क्यों लगाया जाता है। तो देखिए, सीधी सी बात है, एक एग्जांपल से आपको मैं समझाता हूँ। जब आपके पास एक ही चीज़ रहे, मान लीजिए आपके पास में कुछ छोटा सा स्वर समूह है, उसको यदि आपने एक बार स्वर में गा दिया है, एक बार आकार में गा दिया है, तो आपके पास में कुछ करने के लिए कुछ नया कुछ चाहिए। जैसे कोई छोटा सा स्वर समूह है, मान लीजिए कि मा पा धा नी सा, ये आपके पास चार पाँच स्वर है, इनको यदि आपने स्वर में बोल दिया और दोबारा यदि इन्हीं स्वरों को बोलने की बारी आई, तो आप फिर से स्वर में बोलेंगे तो थोड़ा सा ठीक नहीं लगेगा। और यदि आकार में भी आपने बोल दिया और दोबारा यदि आप फिर से आकार में बोलेंगे तो वो भी ठीक नहीं लगेगा। तो थोड़ा सा विस्तार करने के लिए, एक नया अंदाज, नया एक वेरिएशन, नया एक इफेक्ट डालने के लिए गायकी में नोम तोम का प्रयोग किया जाता है, जिससे थोड़ा सा एक बेस भी आता है, गायकी में वजनदारी आती है। मापा धानी सा, जैसे सिंपल ये पाँच स्वर है, इनको यदि मैं स्वर में बोलूँ तो कैसा लगेगा, आकार में बोलूँगा तो कैसा लगेगा, और नोम तुम में बोलता हूँ तो कैसा लगता है, आप देखिए, आप खुद महसूस करेंगे। सबसे पहले स्वर में देखते हैं, मा पढ़ा लगाने का जो अंदाज है वो थोड़ा सा बदलता जाता है। तो गायकी को एक नया रूप देने के लिए, नया अंदाज देने के लिए नोम तोम का प्रयोग किया जाता है। ये शब्दों की यदि बात करें तो शब्दों का इसमें कोई मीनिंग नहीं होता है। जो इसमें शब्द प्रयोग किए जाते हैं वो है ता ना ना, ता दा रे दानी, दे रे ना, ये शब्द सबसे ज्यादा प्रयोग किए जाते हैं। फिर से देख लीजिए, स्क्रीन पर आ रहा है, आप नोट कर लीजिए, ता ना ना, ता दा रे दानी, दे रे ना, यही शब्द सबसे अधिक प्रयोग किए जाते हैं। इसमें ना शब्द, नोम तोम इसको बोला ही जाता है कि इसमें ना और मा का इफेक्ट सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। मैं आपको कुछ एग्जांपल से बताऊंगा, कुछ एक दो राग का मैं नोम तोम के अंदाज में स्वर लगाऊंगा, तो आपको समझ आएगा कि कैसे इसको लगाना है, कैसे प्रयोग करना है। देखिए, सबसे पहले आकार और नोम तोम दोनों को मिक्स कर लेते हैं, कुछ लोग स्पेशली नोम तोम में ही स्वरों को गाते हैं, कुछ लोग आकार और नोम तोम दोनों को मिक्स कर लेते हैं। दोनों अंदाज बता देता हूं आपको, देखिए, आकार और नोम तोम, कुछ लोग
तरीके से देरे ना तादारे दानी ताना नाना यही शब्द इसमें प्रयोग किए जाते हैं। इसका कोई मीनिंग नहीं होता है, इस बात को आप बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिए कि इसका कोई मीनिंग होता होगा, किसी भगवान का नाम होगा, ऐसा नहीं है। नोम तोम केवल एक शब्द है जो एक अंदाज होता है स्वरों को लगाने का और थोड़ा सा गायकी को अपना अलग जगह देने का, ताकि लोगों को कुछ लगे कि कुछ नया हुआ है। बस रागों का विस्तार करने के लिए, रागों में नया वेरिएशन, नया इफेक्ट डालने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। आजकल तो खूब इसका चलन है, पहले भी होता था, पहले तराने में ज़्यादातर प्रयोग होता था। तराना एक विधा है क्लासिकल की, तराने में यही शब्द प्रयोग किए जाते हैं, नोम तोम तादारे दानी यही शब्द इसमें प्रयोग होते हैं, और ये पहले बहुत ज़्यादा गायकी के रूप में प्रयोग होता था तराना। आजकल तराना इतना लोग नहीं गाते हैं, तो इसलिए तराने के शब्दों को वो लोग भजन के रूप में, भजन में प्रयोग करते हैं। तो यही एक इसका प्रकार है, यही इसकी एक विशेषता है, बाकी इसका कोई मीनिंग नहीं है, कोई अर्थ नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ आपको नोम तोम समझ में आ गया होगा, नोम तोम में कौन कौन से शब्द प्रयोग किए जाते हैं, उनको कैसे गाना है, और रागों में इसका किस तरीके से प्रयोग होता है। तो अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ, नए अंदाज में फिर से आपसे मिलता हूँ। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू सो मच।